Hi, this is Khushboo with another question of quadratic equation. This is first question of exercise 4.4, page number 91 from NCERT. This says, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. So, हमें इनका basically nature बताना है roots का. Roots का nature ऐसा है कि वो real है या नहीं, वो distinct है, वो equal है, real roots है भी या नहीं, ये चेक करना है. So, first equation हमें दिया हुआ है 2x square minus 3x plus 5. So, first part is equal to 0. If you have seen the last video, जिसमें हमने आपको discriminant नाम निकालना सिखाया है, quadratic formula जो हम use करते हैं, उससे हम ये check करते हैं. कैसे? इसमें जैसे हम आपको दिया हुआ है, हमारे पास general equation होती है ax square plus bx plus c, quadratic equation. इस equation को आप इससे compare करो, तो x square के साथ यहाँ ये a है, यहाँ पे 2 है. ए का वैल्यू है 2, यहाँ पर एक्स के साथ बी है, यहाँ पे एक्स के साथ माइनस 3 है, तो बी का वैल्यू इज माइनस 3 एंड सी की वैल्यू इज 5. अब डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस 3, सो बी स्क्वायर की जगह आएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है 5. सो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 टू सा 8, 8 फाइव सा 40. सो डी इज इक्वल टू माइनस 31. और जब भी डी लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, क्योंकि डी नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0 है, तो इट हैज नो रियल रूट्स. एज डी इज लेस देन 0, it has no real roots. Same case हम करेंगे इसका next part, part number second, which is 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Now again, यहाँ पर हमारे पास ये a है 3, b हमारे पास है minus 4 root 3 और c है 4. तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3. ये नेगेटिव साइंस के साथ हमें रखना है. माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4. सो ये आएगा d इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करके 4 से 16, 16 इंटू 3 इज 48. 4 3s are 12, 12 4s are 48. So D is equal to 0. So D ka value jab 0 aata hai, to hum kehte hain it has real and equal roots. It has real and equal roots. So iske real and equal roots hai. So usko nikalte kaise hain? So, x is equal to minus b plus minus root b upon 2a. ये तरीका होता है equal roots निकालने का. So, x is equal to minus b, मतलब minus तो पहले से है और b की वैल्यू है minus 4 root 3. Plus minus under root d है 0 by 2a. a की वैल्यू है 3. So, ये बनेगा minus से minus cancelled, 4 root 3 plus minus 0 by 6. x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी, x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 बाय 6, 4 रूट 3 माइनस 0 बाय 6. प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस में ले लिए ये वैल्यू, एक बार नेगेटिव है. x की वैल्यू है 4 रूट 3 बाय 6, 4 रूट 3 बाय 6. इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2s आ, 2 3s आ, 2 2s आ, 2 3s आ. रूट 3 से आप रूट को 3 कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा ये कैंसिल, ये बनेगा रूट 3, कैंसिल रूट 3. ऐसा इसलिए क्योंकि एक 3 के अंदर दो रूट 3 आ गए और ऊपर एक रूट 3 था, तो आपने कैंसिल किया तो नीचे एक रूट 3 बच गया. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3. सो दोनों रूट इक्वल है, ये होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स. सेम वे पार्ट नंबर 3,
2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. अब यहां पर हमारे पास a है 2, b है minus 6 and c है हमारे पास 3. D का formula again, D is equal to B square minus 4AC. So D is equal to, D की value हमारे पास है minus 6. So minus 6 का square minus 4 into A into C की value है 3. So D is equal to minus 6 का square किया, तो हमारे पास आया 36 minus 4 2's are 8, 8 3's are 24, which is equal to 12. So D की value आ गई 12. अब ये greater than 0 है, positive value है, that means it has real and distinct roots. Distinct means दोनों roots different आएंगे. Real and distinct roots. अब निकालेंगे कैसे? X is equal to minus b plus minus root d by 2a. So इस formula में values को put करेंगे. So X is equal to minus b. B की value है minus 6 minus already होता है formula में और B की value minus 6 plus minus root D. B की value है 12 by 2A. A is 2. So ये बनेगा X is equal to minus से minus का 6 plus minus root 12. Root 12 हम ले सकते हैं 2 2's are 4, 4 3's are 12. So, यहां से जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसमें मेरे एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर नहीं बना तो अंदर रह जाएगा 2 3 by 4. So, बन गया x is equal to 6 plus 2 root 3 by 4 और एक 6 minus 2 root 3 by 4. ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन है 2. So, ऊपर से कॉमन आ गया हमारे पास 2, अंदर बच गया 3 plus root 3 by 4, पर यहाँ पर भी 2 common निकाला, तो 3 minus root 3 by 4. So, यहाँ पे cancel करेंगे, तो 2 1's are, 2 2's are, 1's are, 2 2's are. तो ऊपर बच जाएगा 3 plus root 3 by 2, 3 minus root 3 by 2. आप चाहो तो इसमें से further common निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे दोनों में common है root 3. तो अंदर बच जाएगा root 3 plus 1 by 2, तो यहाँ पर root 3 minus 1 by 2. इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं. So basically what's your D method? D निकाल के चेक करते हो, positive आ रहा है तो real and distinct roots, equal to 0 आ रहा है तो real and equal roots, negative में आ रहा है तो no real roots. और अगर उसके real roots हैं तो आपको इस तरह से ही formula डाल के उसको find out करना. So this was first question of exercise 4.4 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.